Good morning to all of you. So today I will discuss some illustrations. So illustration number 48, past adjustment, I have discussed today. So see the illustration number 20. Illustration number 48. Where? So past adjustment. Mudit and Uday are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio. Mudit and Uday, the profits and losses in the ratio 3/5 and 2/5. Clear? So their capital accounts on 1st April 2015 showed balance at 70,000-60,000. The drawings of Mudit and Uday's during the 15-16 were 16,000 and 12,000. Both the amounts were withdrawn on 1st January 2016, and it was subsequently found that the following items have been omitted while preparing the final accounts for the year ending 31st March 2016. So interest on capital omitted hai, yani chhoot gaya, interest on drawing chhoot gaya, aur Mudit was entitled to a commission of 4,000 for the whole year, ye bhi chhoot gaya, theek hai. So past adjustment, iska matlab hai jab balance sheet end ho gayi, yani jab final accounts prepare ho gaya, to uske baad kuch adjustment aise the jo chhoot gaya, jaise kya kya chhoota, interest on capital, interest on drawing aur commission chhoot gaya, theek hai. To इस केसेस के लिए हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं और सिंगल एंट्री पास करते हैं, जैसे एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है. सो एडजस्टमेंट टेबल हम सही करने के लिए हमारा एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होना चाहिए था, ये सारी चीज. मुदित उदय टोटल, ठीक, पर्टिकुलर. नेक्स्ट, सो द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%. एक चीज़ ये ध्यान देना, कभी भी अगर ओमिटेड पास्ट एडजस्टमेंट की बात होगी तो इसका मतलब है सीधा सीधा हम एक एडजस्टमेंट टेबल खींचेंगे और इसके बाद हम लोग एक सिंगल एंट्री पास करेंगे. पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते समय बैलेंस शीट डन हो गई तो उसके बाद भी कुछ चीज़ें छूट गई. तो ये जो टेबल है ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, ठीक है. तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आईओसी मिलेगा पार्टनर को तो उनको हम क्रेडिट करेंगे, यानी जो जो पार्टनर का पॉइंट है, जो उनको मिला है वो क्रेडिट होगा, और जो हम जो कंपनी को लेना है वो डेबिट होगा उनका. यानी पार्टनर को जो चीज़ें मिल रही हैं, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट. सो जब इनको अगर हम देंगे तो क्रेडिट, और जब इनसे लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है ना. सो अगर एक्सपेंस ज़्यादा है, अगर इनका क्रेडिट ज़्यादा है तो इसका मतलब है सीधा सीधा फर्म को लॉस होगा. सो तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी क्योंकि पार्टनर को मिलेगी इसलिए क्रेडिट, ठीक है. कितनी आईओसी है, यानी 70,000 × 6%, सो 4200 होगा. 4200 × 3600, ठीक है. सो 4200 + 3600 टोटल 7800. ये तो मिल गया इनको, इसको पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे तो पार्टनर के लिए फायदा है, इनको हमने क्रेडिट कर दिया. नाउ द नेक्स्ट थिंग, कमीशन क्रेडिट टू मुदित. तो कमीशन किसको मिल रहा है, ये भी क्रेडिट होगा क्योंकि पार्टनर को मिल रहा है चीज, ठीक है. तो मुदित को कमीशन दे रहे हैं हम लोग 4000. मुदित के कमीशन कुछ भी नहीं है. बाकी छूट गया क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी टोटल क्रेडिट जो हुआ हमारा इस क्वेश्चन में, टोटल क्रेडिट, ठीक है, 4200 + 4000 टोटल हो गया 8236, ठीक है. तो 7800 + 4000 हो गया 11800. तो 8200 + 3600 टोटल विल बी 11800. अब आ जाओ बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. ये तो पार्टनर का फायदा हो गया, इसलिए हम क्रेडिट कर रहे हैं. अब इनको इनसे आईओडी भी चार्ज करना था. तो अगर आईओसी क्रेडिट है तो आईओडी जब इनसे लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो इनके लिए नुकसान होगा, लेकिन फर्म के लिए फायदा होगा, ठीक है. सो आईओडी अगर आईओसी और कमीशन इनको मिल रहा है तो क्रेडिट, आईओसी और आईओडी मिला तो आईओसी और कमीशन मिला तो क्रेडिट, और आईओडी हम उनसे ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उन्होंने ड्राइंग्स किया है तो हम इंटरेस्ट फर्म ले, ठीक है. सो कितना इंटरेस्ट, कितना ड्राइंग कर रहे हैं ये लोग, द बोथ द अमाउंट्स विदड्रॉ ऑन 1st जनवरी, ठीक है.
तो 3 महीने का जनवरी फरवरी मार्च पहला विड्रॉ कर रहा है 16,000 इंटू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% इंटू 3/12 यानी 240 ऐसे आया ये 16,000 इंटू 6% एंड विड्रॉ कब किया था 3 मंथ्स के लिए जनवरी टू मार्च के लिए ठीक है सो आ जाएगा आपका 240 रुपीज़ ठीक है नेक्स्ट विड्रॉ जो है उदित का यानी उदय ने विड्रॉ किया है 12,000 रुपीज़ यानी 12,000 इंटू 6% इंटू 3/12 ठीक है तो 6% इंटू 3/12 180 रुपीज़ दोनों को प्लस कर दो 240 + 180 = 420 अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारी फर्म का एक्सपेंस है फर्म का एक्सपेंस क्या है कि हम IOC और कमीशन किसको दे रहे हैं मुझे तो और तो फर्म से पैसा जाएगा लेकिन पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा है क्योंकि एडजस्टमेंट टेबल जो बनता है वो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है ठीक है और प्रॉफिट एंड लॉस हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालेंगे तो जब दोनों बन रहा है तो इसका मतलब है इनको दे रहे हैं इनके लिए फ़ायदा इनके लिए फ़ायदा ठीक है सो 8,236 IOD हम चार्ज कर रहे हैं इनसे ले रहे हैं इसलिए डेबिट कर अब देखेंगे हम यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा है कि डेबिट ज़्यादा ठीक है सो हमेशा यहाँ पे क्रेडिट ही ज़्यादा दिखेगा यानी 8,200 माइनस कितना क्रेडिट ज़्यादा 7,960 ये क्रेडिट ज़्यादा है ठीक है अभी देखो ये क्रेडिट है 36 माइनस 180 3,420 क्रेडिट ज़्यादा ठीक 11,800 माइनस 420 11,380 क्रेडिट ज़्यादा ठीक है ना अब आ जाओ बात करते हैं डेबिट बैलेंसेस लॉसेस तो टोटल लॉस हुआ 11,380 ठीक है फर्म को लॉस हो रहा है इससे इतने ये सारी चीज़ करने के बाद टोटल फर्म को लॉस कितना है क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है ना इसका मतलब है पार्टनर्स को फर्म को देना है तो फर्म का लॉस हो जाएगा सो लॉस ऑलरेडी डेबिट होता है और प्रॉफिट होता तो क्रेडिट लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ठीक है और लॉस क्या हो जाएगा ऑलवेज डेबिट कितना है शेयरिंग रेशियो 2:3 ठीक है यानी 2/5 and 3/5 × 2/5 4552 डेबिट इलेवन थ्री एट जीरो इंटू टू बाई फाइव 6,828 डेबिट बैलेंस दोनों को प्लस करोगे तो इतना ठीक है अब हम देखेंगे कि डेबिट ज़्यादा है कि क्रेडिट ज़्यादा है तो 7,960 माइनस 4,552 3,408 डेबिट ज़्यादा क्रेडिट ज़्यादा क्रेडिट ज़्यादा यहाँ पे देखेंगे 6,828 माइनस 3,408 डेबिट ज़्यादा एंट्री क्या पास करोगे एंट्री पास करने के लिए यानी उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोदित कैपिटल अकाउंट ठीक है कितना ज़्यादा 3,408 ये एंट्री पास करनी है सिंपल सा ट्रीटमेंट है ये बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड ठीक है सो नाउ यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन Now the next question is 49th question. Question illustration. ये भी adjustment का question. The net profit for the year 30,000 and which has been duly distributed. In the partners ABC, they agreed proportionate 3:1:1
it was discovered that the 10th April on 2018 that the under mentioned transaction were not passed through the books of account of the firm for the year ended 31st March 2018, which stood duly closed on that date. Interest on capital छूट गया, 10% interest on drawing छूट गया, and salary छूट गई, commission छूट गया, ठीक है? So कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है? सब कुछ निकाल के दे दिया. A, B, C and total, ठीक है? Particulars, IOC always credit, सैलरी ऑलवेज क्रेडिट, क्योंकि ये सारी चीज़ें पार्टनर को मिलती हैं, कमीशन ऑलवेज क्रेडिट, अगर आईओटी होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम तो लॉस, डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम तो प्रॉफिट, ठीक है? सो क्या क्या छूट गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी 1 अप्रैल को आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है कि 25,000, 20,000 and 1,500, उसका 10% निकालो, 2,500. नेक्स्ट इज 2,000 एंड नेक्स्ट 1,500, 2,000, 3,000, 4,000 to 6,000, ठीक है? 6,000 सैलरी छूट गई, सैलरी किसको देना था, ए और बी, ठीक है? 5,000 एंड 7,500, 7,500, 12,500, 12,000. कमीशन, स्पेशल ट्रांजेक्शन कमीशन किसको मिलना था, केवल एक, तो एक का हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3,000, ठीक है? नाउ द थिंग्स आईओडी, सो आईओडी जो हम डेबिट करेंगे कितना है, 350, 250, 150, 3 to 6, 7, 8, 8, 50, ठीक है? सो नाउ द नेक्स्ट थिंग 3 to 5, 6, 7, 8, ठीक है? अब ये हमेशा माइनस होगा, ठीक है? क्रेडिट, क्रेडिट हमारे पास कितना ज़्यादा है, डेबिट कितना ज़्यादा, ऑलवेज इसमें डेबिट ही हमको कम दिख रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,150, 7,29,500 माइनस 250, 9,250, नेक्स्ट 1,500 माइनस 150, यानी आ जाएगा 1,350. अभी भी आपका क्या ज़्यादा था, क्रेडिट ज़्यादा है, और जब क्रेडिट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लॉस होगा, कितना ज़्यादा है, टोटल 20,750 आ रहा है हमारा टोटल, हमारे को इतना लॉस हो रहा है. सो लॉस क्या होता है, डेबिट. सो लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, कितना रेशियो है, 3:1:1, ठीक है? 1, यही लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इतने का लॉस हुआ, इंटू 3/4, 155,625, 750 इंटू 3/5, 12,450 इंटू 1/5, यानी आ जाएगा 4,150, 4,150, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है? इसको क्रॉस कर दो. अब देखो क्रेडिट ज़्यादा डेबिट ज़्यादा, ठीक है? तो हमको यहाँ डेबिट ज़्यादा दिख रहा है, ये वाला क्रेडिट है, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट नीचे वाला, डेबिट डेबिट, कौन ज़्यादा दिख रहा है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट ज़्यादा है इसमें, कितना ज़्यादा है, माइनस तो आपका ज़्यादा है 2,300, आई थिंक 23 डेबिट बैलेंस, ठीक है? 9,250 ज़्यादा है कि 4,150, क्रेडिट ज़्यादा कि डेबिट ज़्यादा, अभी हम देख रहे हैं इसमें क्रेडिट ज़्यादा है 5,100, माइनस कर लीजिएगा 1,350 प्लस, इसमें डेबिट ज़्यादा दिख रहा है, कितना ज़्यादा है, 2,800 डेबिट बैलेंस, एंट्री पास करिएगा, ए डेबिट सी डेबिट टू बी, ए डेबिट सी डेबिट टू बी, बी एंट्री रेक्टिफाई, यानी 2,300, 2,800 एंड, ठीक है? सो नाउ यू हैव टू द, यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 49, रजिस्ट्रेशन 49.
देयर. थैंक यू.